नमस्कार, सुप्रभात, सुस्वागतम। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम हिंदी व्याकरण से अभी तक दो पाठ कर चुके हैं, पाठ एक भाषा, पाठ दो वर्ण एवं वर्णमाला। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, पाठ तीन मात्राएं। लेकिन उससे पहले पाठ दो को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि पाठ तीन मात्राएं करने से पहले पाठ दो अच्छे से पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए पहले हम थोड़ा सा कुछ चीजें जो हैं वो पाठ दो की दोहरा लेते हैं। तो पाठ दो में क्या था, वर्ण वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्वर कितने होते हैं हमारे, कितने स्वर होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो आज हम पाठ तीन मात्राएं करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंदर हम ये अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार स्वर मात्राओं का रूप ले लेते हैं, स्वरों के चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार उनको व्यंजनों के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उनका रूप कैसा होता है। तो चलिए शुरू करें पाठ तीन। लेकिन पाठ तीन को पढ़ने के अलावा आप पाठ दो भी जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पाठ दो में भी पाठ तीन से जुड़ी हुई बहुत सारी जरूरी बातें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ तीन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पाठ तीन मात्राएं। अब जब पाठ का नाम ही मात्राएं है तो जाहिर सी बात है इस पाठ के द्वारा हमें सभी मात्राओं का ज्ञान मिलेगा कि किस प्रकार स्वर मात्राओं में बदल जाते हैं और व्यंजनों के साथ जुड़ने पर वो किस तरह के चिन्ह में बदल जाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है और कविता के अंदर जितनी भी मात्राएं हैं, जितने भी ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये नीले रंग से दिखाए गए हैं। तो यहाँ ये नीले रंग से क्यों दिखाए गए हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसको कविता को पढ़ेंगे। सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चींची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली, धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू, खेतों में हरियाली। कितनी सुंदर कविता है ना। अब हम जानेंगे कि ये नीले रंग से क्यों दी गई है ये सभी की सभी मात्राएं। तो ये जो सभी की सभी मात्राएं हैं, ये स्वरों का बदला हुआ रूप है जो कि मात्रा बन जाता है। समझे आप, स्वर क्या होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ री, ये सभी जो 11 हमारे कितने होते हैं स्वर, 11 है। तो हमारे जो 11 के 11 स्वर हैं, जब वो व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो वो मात्राओं का रूप ले लेते हैं, और ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं ये स्वरों का बदला हुआ रूप है जो मात्रा के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। वर्णों के साथ आए रंगीन चिन्ह भी स्वरों की मात्राएं हैं। अब एक खास बात और बताने जा रही हूं मैं आपको कि स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। स्वर हमारे, मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि 11 स्वर होते हैं, अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ठीक है। इसमें अंग और अह नहीं होते हैं, 11 होते हैं। अंग और अह के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, इन्हें हम अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो हम, हमारे जो 11 स्वर होते हैं जब वो व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, और स्वरों का बदला रूप मात्रा बन जाता है। तो ये याद रखने योग्य बात है कि आप मेरे साथ साथ दोहराइए कि स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए पाठ में आगे हम जानेंगे मात्राओं के बारे में कि स्वर किस तरह से बदलकर मात्रा का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे स्वर, ये रहे हमारे स्वर, दिख रहे हैं आपको, अ आ ई ई ऊ औ री ए ऐ ओ औ, ये सभी हमारे स्वर हैं, 11 हैं, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जितने भी हमारे स्वर हैं ये 11 हैं। जब ये स्वर मात्राओं का रूप लेता है, लेते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार के चिन्ह के रूप में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क व्यंजन दिया गया है, तो हम बारी बारी से इन सभी को क के साथ मात्राओं के रूप में जो हमारे स्वर बदल गए हैं इनको क व्यंजन के साथ जोड़ जोड़ कर देखेंगे कि इनका रूप बदलने के बाद ये कैसे हो जाते हैं और कैसे शब्दों से इनकी ध्वनि निकलती है, ठीक है। यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो, स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये स्वर हैं, ये इनके निश्चित चिन्ह हैं,
ठीक है। और ये जो निश्चित चिन्ह है इनके, ये मात्राएं कहते हैं हमें, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है, वो कैसे मिला होता है, जैसे हमने क व्यंजन का उदाहरण लेते हैं, हम क में भी अ की आवाज है, ख में भी अ की आवाज है, ग में भी अ की आवाज है, तो सभी व्यंजनों में अ की आवाज तो शामिल है ही है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई सवाल करे कि हिंदी वर्णमाला में वो कौन सा स्वर है जो सभी व्यंजनों में मिला हुआ होता है, तो वो स्वर है अ। हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। तो देखिए आ का चिन्ह क्या है, ये रहा छोटी ई, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा, ये इस प्रकार चिन्ह का रूप लेते हैं, नीचे से घुमाते हुए ऊपर की ओर छोटा ऊ, ऊपर से नीचे की ओर घुमाते हुए बड़ा ऊ, ये री की मात्रा है, जैसे हम स्मॉल सी बनाते हैं इंग्लिश में, ये चिन्ह है ए का, ये अए, ठीक है, ओ औ। तो ये सारे हमारे स्वर जब हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो मात्रा का रूप ले लेंगे, जैसे क में हमने जोड़ा बना का, ई की मात्रा छोटी ई जोड़ी तो की, बड़ी ई जोड़ी तो की, छोटा ऊ कु, बड़ा ऊ कु, री को जोड़ा तो क्री, क को ए को जोड़ा तो के, कै, को को, ठीक है। अब जैसे इनका शब्दों में अगर हम देखेंगे तो क के साथ अ जुड़ा कम, आ जुड़ा काम, ई छोटी ई जुड़ी तो किताब, कील, कुल, कूदना, कृपा, केला, कैसा, कोयल, कौन। तो देखा आपने किस तरह स्वर और उनकी मात्राएं जब व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं तो वो किस प्रकार मात्राओं का रूप ले लेती हैं, ठीक है। अंग और अह के बारे में अभी हम आगे जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे र, जैसे ये दिया हुआ है आपको, र हलंत के साथ उ और ऊ लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे र हलंत जमा ऊ रू, रुपया, रुस्तम, देखा शब्द आपने, देखा र हलंत के साथ छोटा ऊ जब बनेगा तो वो इस तरह से लगेगा, र हलंत बड़ा ऊ रू, रूस, रूखा, देखा आपने, र हलंत के साथ ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है, कहाँ लगती है, र के पेट में, र का पेट मतलब जैसे कि हमने र बनाया, ये है उसका पेट, ठीक है, यहाँ ऐसे या ऐसे लगेगी, ठीक है, तो र के पेट में लगेगी, र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है, उसकी पूंछ में नहीं लगती, पूंछ क्या होती है, पूंछ ये होती है, तो यहाँ नहीं लगेगी, उसके पेट में लगेगी, ठीक है। अब जो अंग होता है उसको शीरो रेखा के ऊपर एक छोटी सी डॉट लगती है, उसको हम अंग कहते हैं, और ये होता है हमारा चंद्र बिंदु, इसको हम कहते हैं अनुस्वार, इसको हम कहते हैं अनुनासिक, ये वर्ण के ऊपर लगते हैं, जैसे कि कंचा, क के बिल्कुल ऊपर शीरो रेखा के क लिखा है अगर व्यंजन, तो क के बिल्कुल ऊपर लगेगा ये अनुस्वार हमारा, और सांप, आंख, अनुनासिक, ये है हमारा अनुनासिक चिन्ह, ये लगेगा बिल्कुल वर्ण के ऊपर, ठीक है, सांप, आंख। स्वर के लिए निश्चित चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं, स्वर के लिए निश्चित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, मात्राएं, ठीक है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो देखा आपने, अगर आपने इन मात्राओं को ध्यान से देखा है या आप अपनी पुस्तक खोलकर भी ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे इन मात्राओं के चिन्हों को और इनके रूपों को, ठीक है। तो अब इस पाठ से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें मैं आपके सामने दोहरा देती हूँ, फिर हम इनके प्रश्नों का मौखिक एक बार अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इस पाठ से हमने जाना कि स्वर के लिए निश्चित चिन्ह, स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं, ठीक है। चिन्ह क्या होता है, साइन, ओके। अ, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको मात्राएं दिखाई, तब मैंने आपको दिखाया ना कि अ
कैसे अकेला था उस, क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती। क के साथ जो जोड़ेंगे तो भी क की ही आवाज आएगी, ख के साथ जोड़ेंगे तो भी ख की ही आवाज आएगी। क के अंदर भी अ की आवाज होती है, ख के अंदर भी आवाज होती है अ की। सभी व्यंजनों में अ की आवाज, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, लेकिन अ की कोई अलग से चिन्ह या मात्रा नहीं होती। अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है, अ को छोड़कर बाकी जितने भी 10 के 10 स्वर हैं उनकी अपनी एक मात्रा होती है। तो चलिए अब कुछ दोहरा लेते हैं मौखिक प्रश्नों को, ठीक है। सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है, अभी हमने पढ़ा सभी स्वरों में, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। र हलंत के साथ ऊ या औ की मात्रा कहां लगती है, छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा कहां लगती है, र के पेट में, कहां लगती है, र के पेट में लगती है, उसकी पूंछ में नहीं लगती। स्वर का बदला हुआ रूप क्या बन जाता है, बताएं स्वर का रूप, बदला हुआ रूप क्या बन जाता है। जब हमने पाठ शुरू किया तब भी हमने ये पढ़ा था कि स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है, स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। क्या बन जाता है, स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए सही कथन पर चिन्ह लगाइए, तो क्योंकि अभी आप चिन्ह नहीं लगा सकते तो आप सिर्फ सही या गलत में जवाब देंगे, ठीक है। स्वरों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, बिल्कुल सही। छोटा ऊ के लिए ऊपर से गोल घुमा के ऊपर की ओर का चिन्ह लगता है, बिल्कुल सही। छोटे ऊ में नीचे से घुमाते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं और बड़े में ऊपर से घुमाते हुए नीचे की तरफ आते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण के नीचे लगाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। अनुस्वार क्या होता है, बिंदु, और अनुनासिक चंद्र बिंदु, तो वो कहाँ लगाए जाते हैं, वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, नीचे नहीं लगाए जाते। र हलंत के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगती, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसके अंदर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा गया है कि यदि मात्राएं नहीं होती तो क्या होता, मात्राएं नहीं होती तो शब्दों का निर्माण नहीं होता, है ना। हम जो भी हम बोलते कैसे बोलते, शब्द ही नहीं बनते, वाक्य ही नहीं बनते, तो मात्राओं का होना तो बहुत ही आवश्यक था, है ना। तो आज हमारा पाठ 3 यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसे समाप्त करने से पहले भी मैं एक बड़ी ही बहुमूल्य बात आपको बताऊंगी जो कि हम सुनेंगे जाते जाते, ठीक है। और वो ये है, जैसे स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों से घुल मिल जाते हैं, जैसे स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों से घुल मिल जाते हैं, ऐसे ही हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। कितनी प्यारी बात कही है ना, कि जैसे स्वर व्यंजनों में मिलकर घुल मिल जाते हैं, इसी तरह हमें भी आपस में घुल मिल कर रहना चाहिए। वो सिर्फ हमारे परिवार के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सबके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं। तो ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए पाठ के साथ और कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ओके, नमस्कार।